नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां चार भाई चलाते हैं उस देश की पूरी सरकार। जब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं या हम यूं कहें कि उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र में हमें सबसे साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही जाती है। और इन सब से बड़ी बात यह है कि इसमें आखिरी व्यक्ति की सहभागिता की बात भी कही जाती है। लेकिन लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की जगह पर परिवार का विस्तार हुआ। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति श्रीलंका के मंत्रिमंडल में देखने को मिली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चार अन्य मंत्री एक ही परिवार से आते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि यह सरकार का नहीं, परिवार का सरकार में विस्तार हुआ है। पिछले दिनों भारत में भी मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे सरकार का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में बासिल राजपक्षे को महिंद्रा राजपक्षे की सरकार में शामिल किया गया। आपको बता दें कि उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार के सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। अभी श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। गोटाबाया राजपक्षे के 3 और भाई हैं। इनमें सबसे बड़े हैं चमल राजपक्षे, उनसे छोटे हैं महेंद्र राजपक्षे, उसके बाद नंबर आता है गोटाबाया राजपक्षे का और उसके बाद नंबर आता है वासिल राजपक्षे का। आपको बता दें कि अभी तक वित्त मंत्रालय का प्रभार पीएम महेंद्र राजपक्षे के पास था, लेकिन अब उनके पास आर्थिक नीति और योजना क्रियान्वयन की जिम्मेवारी है। वासिल राजपक्षे साल 2010 से 2015 तक महेंद्र राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माने जाते रहे हैं। वासिल के पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। उन्होंने आर्थिक प्रबंधन से लेकर पर्यावरण तक सभी अहम कार्य बलपूर्वक किए हैं। श्रीलंका में पिछले साल हुए संसदीय चुनाव में वासिल चुनाव नहीं लड़े थे। इसके बाद वे निर्वाचित सांसदों की राष्ट्रीय सूची के जरिए संसद में पहुंचे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी SLPP के राष्ट्रीय सूची से एक सांसद ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद वासिल को संसद में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। चमल राजपक्षे सरकार में ही कृषि मंत्री के पद पर हैं और सबसे छोटे भाई वासिल राजपक्षे अब वित्त मंत्री बन गए हैं। यानी कि चारों भाई श्रीलंका के बड़े संवैधानिक पदों पर हैं। इसके अलावा पीएम महेंद्र राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे भी सरकार में खेल मंत्री और कृषि मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे भी सरकार में जूनियर मिनिस्टर हैं। इस हिसाब से देखें तो राजपक्षे परिवार के 6 सदस्य सीधे तौर पर सरकार में हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही चमल राजपक्षे के छोटे पुत्र निपुणा राणा वका भी श्रीलंका के संसदीय समिति के सदस्य हैं। यानी कि राजपक्षे परिवार में कुल 7 सदस्य हो गए जो कि सीधे तौर पर सरकार में संबंध रखते हैं। ऐसे में भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनका राजपक्षे परिवार में खून का तो नहीं, लेकिन उनके रिश्तों का जरूर नाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका के मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि परिवार का विस्तार हुआ है। तो ये थी महेंद्र राजपक्षे कैबिनेट की खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।